टोक्यो में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिए मैं सभी खिलाड़ियों को बधाई देता हूँ। आप सबकी इस टीम ने ओलंपिक के हमारे इतिहास में सबसे अधिक पदक जीते हैं। सबने जीत को विनम्रता के साथ और हार को गरिमा के साथ स्वीकार किया। कई वर्षों के बाद ओलंपिक में जब हमारा तिरंगा सबसे ऊपर लहराया गया और हमारा राष्ट्रगान बजाया गया, उस समय सभी देशवासियों की भावनाएं नीरज चोपड़ा के साथ जुड़ी हुई थी। सभी देशवासियों की एक ही भावना थी कि विजयी विश्व तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे।